मणिपुर की स्थिति को देखते हुए विपक्ष ने मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1966 में मिजोरम में हुई बमबारी को लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद ये दावा किया जाने लगा कि 1966 में मिजोरम में इंदिरा गांधी ने बमबारी करवाई और बमबारी करने वाले प्लेन को राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी चला रहे थे। बाद में उन्हें कांग्रेस ने टिकट देकर मंत्री भी बना दिया। एबीपी न्यूज ने इसी दावे को आगे बढ़ाया। जनवरी 1966 जब इंदिरा गांधी ने देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ एक महीना ही हुआ था कि खबर आई 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर वायुसेना ने हमला कर दिया है। हम लोग डर के माहौल में जी रहे थे, हम लोग और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। 5 मार्च को हैवी मशीन गन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगले दिन वायुसेना ने बम का इस्तेमाल किया। इस हमले में आइजोल शहर के 4 बड़े हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा था। हमले से डरे सहमे स्थानीय लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वो पहाड़ियों पर चले गए। हमले और बमबारी का सिलसिला 13 मार्च तक चला था। तत्कालीन सांसद जीजी स्वेल के मुताबिक मिजोरम पर हमले के लिए जो पायलट लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे, उनमें दो नाम राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी थे। ये वो दो नाम हैं जो बाद में कांग्रेस में शामिल हुए, सांसद बने और फिर कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बने। वहीं अमित मालवीय ने भी एबीपी न्यूज की वीडियो रिपोर्ट ट्वीट की और दावा किया कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम बरसाने वाले विमान को राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी उड़ा रहे थे। देखते ही देखते कई राइट विंग यूजर्स ने भी यही दावा किया। इस वायरल दावे पर संज्ञान लेते हुए राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने अमित मालवीय के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि उनके पिता राजेश्वर प्रसाद उर्फ राजेश पायलट 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे, तो फिर वो उसी साल 5 मार्च को मिजोरम में बमबारी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने इस दावे को काल्पनिक, तथ्यहीन और पूर्ण तरह से भ्रामक बताया। 29 अप्रैल 1967 के भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 4 रक्षा मंत्रालय वायु शाखा के परिपत्र में राजेश पायलट की सेवा संख्या और शाखा की जानकारी दी गई थी। भारतीय सेना के इस डेटाबेस में राजेश्वर प्रसाद उर्फ राजेश पायलट की कमीशनिंग डेट 29 अक्टूबर 1966 बताई गई है। यानी असल में एबीपी न्यूज और भाजपा नेता अमित मालवीय ने यह झूठा दावा चलाया कि 1966 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी ने मिजोरम में बमबारी की थी। हमने देखा कि 10 अप्रैल 2010 की द इंडियन एक्सप्रेस की एक कॉलम में भी ऐसा ही दावा किया गया था। ये कॉलम द प्रिंट के फाउंडर शेखर गुप्ता ने लिखी थी। इसी आर्टिकल को द प्रिंट की वेबसाइट पर भी पब्लिश किया गया था। शेखर गुप्ता ने 15 जुलाई 2020 के इस ट्वीट में भी यही दावा दोहराया था। हमने 17 अगस्त को शेखर गुप्ता से कांटेक्ट किया और उनसे द इंडियन एक्सप्रेस की कॉलम और उनके ट्वीट में दी गई जानकारी के सोर्स के बारे में सवाल किया। उन्होंने 23 अगस्त को जवाब दिया और कहा कि संबंधित आर्टिकल में ही सवाल के जवाब है। इसके बाद जब हमने इंडियन एक्सप्रेस और द प्रिंट का संबंधित आर्टिकल चेक किया तो पाया कि इन्हें 31 अगस्त 2023 को अपडेट किया गया था। शेखर गुप्ता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आर्टिकल में सुधार कर दिए थे।